हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्टर हिक्स और जेरी हिक्स की बुक आस्क एंड इट इज गिवन की समरी। यह एक ऐसी किताब है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद कर सकती है और हमारी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में लाने में वो जरूरी पुश दे सकती है जिसकी हमें तलाश है। यदि आपने कभी सोचा है कि इच्छाएं वास्तविकता में कैसे आती हैं, तो यह किताब आपके लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। इस किताब को अपने जीवन में एक शॉट दें और इसे ट्रांसफॉर्म होते हुए महसूस करें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी मनोकामना पूरी हो। बड़ा रहस्य यह है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में गति जोड़ना, जितनी जल्दी उतना अच्छा। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए और उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए? हमने आपको सुना और यहाँ हम आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के समाधान के साथ हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी किताब के बारे में जो आपको ये बताता है कि कैसे अपनी इच्छा को प्रकट किया जाए, अपनी विश और सपनों को हकीकत में ढाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक वाइब्रेशन की दुनिया है। जैसा कि आइंस्टाइन ने निरीक्षण किया कि जब तक कुछ चलता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता, मतलब सब कुछ एक मेजरेबल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है। अगर आप इस सॉलिड दुनिया के छोटे हिस्से को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर जो चीज जो सॉलिड दिखती है वो नाच रही है, पार्टिकल्स खाली स्पेस में नाच रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करने की ताकत को समझते हैं तो आप हेल्थ, वेल्थ और जो भी आप चाहते हैं उसे जीत लेते हैं। आप ये बचपन से जानते हैं कि आप अपनी असलियत को खुद बनाते हैं और ऐसा करने की चाहत आप में एक ताकत की लहर पैदा कर देती है। आपकी जिंदगी की बनावट और अनुभव सिर्फ आपके ही हाथों में होते हैं। आपको इस जिंदगी को जीने के लिए चुने जाने के बहुत से कारण हैं। और धरती की ये टाइम स्पेस हकीकत आपको वो प्लेटफॉर्म देती है जिसमें आप एक खास क्रिएशन के लिए अपने नजरिए पर ध्यान दे सकते हैं। स्वस्थ और खुश रहना इस दुनिया का आधार है। ये आप में से होकर ही बहता है। आपको बस इसे मंजूरी देना है। जैसे आप सांस लेते हैं, आपको बस आराम से उसे अंदर बाहर बहने देना होता है। जो आप चाहते हैं वो ना पाने का कारण है कि आपने खुद को ऐसी वाइब्रेशन में बांधा हुआ है जो आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती है। अगर आप रुके और सोचे तो आप अपनी परेशानी समझ पाएंगे। जो भी आपने चाहा है, चाहे वो बोला गया हो या नहीं, वो आप में से वाइब्रेशनली होकर गुजरता है। सोर्स ने उसे सुना और समझा है और उसका जवाब दिया है और अब आप इसे रिसीव करने की मंजूरी देने का एहसास करेंगे। आप और स्रोत यानी सोर्स वही सेम की है। आप स्रोत से अलग नहीं हो सकते हैं और स्रोत आपसे कभी अलग नहीं हो सकता है। सोर्स से जुड़ने में अगर कोई रुकावट डाल सकता है तो वो आप ही है। स्रोत हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है और स्वस्थ और खुशी हमेशा आप तक पहुंचती है। अक्सर आप इसे मंजूरी देते हैं पर कभी कभी नहीं। आप अपनी असलियत खुद बनाते हैं और कोई नहीं। और आप इसे तब भी बनाते हैं जब आपको ये समझ न भी आए कि आप ऐसा कर रहे हैं। जब आपको अपने ख्यालों का एहसास होता है तो आप मनचाही असलियत को बना सकते हैं और यही आप चाहते भी हैं। आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसे अपने अंदर महसूस करना है। मैं ये चाहता हूँ, मैं यह मानता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपकी चाहत ही सभी चीजों को आकर्षित करने की शुरुआत है। आप अपनी असलियत को बढ़ाने से कभी नहीं थकते हैं क्योंकि चाहत के नए आइडियाज का कोई अंत नहीं है। ये आपकी चाहत ही होती है जब आप उसमें खुश होते हैं जो आप हैं और जो आपके पास है, और कभी कभी ज्यादा पाने की चाहत करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आप खुद को पूरी तरह सोर्स एनर्जी से जोड़ रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना अच्छा आप महसूस करेंगे उतना ज्यादा आप स्रोत से जुड़ेंगे और जितना बुरा फील करेंगे उतना कम जुड़ेंगे। आपकी भावनाएं सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वाइब्रेशनल इंटरप्रेटर्स होती है। आप इस सिद्धांत को तब समझ पाते हैं जब आप रेडियो सुनते हैं। आप तब तक म्यूजिक सुनने की उम्मीद नहीं करते हैं जो 101 FM की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है और आपका रेडियो 98.6 FM पर ट्यून हो।
आप ये समझते हैं कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज मैच होनी चाहिए। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं उसकी वजह से आप में से एक वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन आपकी चाहत के बराबर होती है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होती है। अगर ऐसा कुछ आपको पाना है जो अभी आपके पास नहीं है, तो आपको बस उस पर अपना ध्यान लगाना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आपके पास आ जाएगी। जो भी आप चाहते हैं उसे पाने का जरिया है कि आप उस चाहत की वाइब्रेशनल हार्मनी पाएं। और इस वाइब्रेशनल हार्मनी को पाने का सबसे आसान तरीका है उसे पा लेने की कल्पना करना, ऐसा मानना वो आपका हो चुका है। अपने ख्यालों को उसका आनंद उठाने के लिए बहने देना, इससे आप उसे अपने अनुभव में ला पाएंगे। जब आपके ख्याल आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मैच होते हैं, तब आप अच्छा महसूस करते हैं। आपकी इमोशनल रेंज उम्मीद से लेकर खुशी की उत्सुकता तक होती है। पर अगर आप ध्यान अपनी इच्छा की कमी पर देते हैं, तो आपकी भावना निराशा के एहसास से चिंता, चिंता से नाउम्मीदी, नाउम्मीदी से गुस्सा, गुस्से से असुरक्षा और असुरक्षा से डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। आपकी भावनाएं आपको एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम देती है और अगर आप उन पर ध्यान दें, तो आप खुद को जो भी आप चाहते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो एक तरह से फ्यूचर इवेंट को प्लान करने जैसा है। जब आप सराहना करते हैं तो आप प्लान करते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आप प्लान करते हैं। चिंता करना अपनी कल्पना को इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बनाना है जो आप नहीं चाहते हैं। जितना आप उसके बारे में सोचते हैं उतना ही आप उसकी तरफ वाइब्रेट करते हैं। जितना आप उसकी तरफ वाइब्रेट करते हैं उतना ही आप उसे आकर्षित करते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी आपके ख्यालों से उसे निमंत्रण यानी इनविटेशन दिए बिना नहीं हो सकता है। हर चीज का वजूद, कुछ हालातों में आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और कुछ में नहीं। आपको समझना होगा कि अगर आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं, तो ये आपकी इजाजत देने की स्टेट को दर्शाता है। और अगर आप ब्लेस्ड महसूस नहीं करते हैं, जब आप अच्छी चीजों की उम्मीद नहीं करते हैं, तो ये आपकी रोकने की स्टेट को दर्शाता है। एक ख्याल को डीएक्टिवेट करने का एक ही सही तरीका है कि दूसरे ख्याल को एक्टिवेट करें। दूसरे शब्दों में, अगर एक ख्याल से ध्यान हटाना है तो दूसरे ख्याल पर ध्यान दें। आपकी भावनाएं आपके स्रोत से रिश्ते के बारे में है, और क्योंकि भावनाएं वो सब बताती है जो आप सोच से अपने रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी भावनाओं को हमारे इमोशनल गाइडेंस सिस्टम की तरह मानते हैं। एक बार आप अपने इमोशंस और जो जरूरी मैसेजेस वो आपको देते हैं उन्हें समझ ले, तो आपको उनका अनुभव होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बता सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। अगर आप अपनी नई कार के बारे में सोचेंगे तो वो धीरे धीरे आप तक आने का रास्ता बना लेंगे, पर अगर आप अपनी पुरानी कार के बारे में सोचेंगे तो नई कार आप तक नहीं आ पाएगी। ये लॉ है कि अगर एक बार आपका ध्यान एक डोमिनेंट वाइब्रेशन को आपके अंदर एक्टिवेट कर चुका है, तो चीजें जो आप चाहते या न चाहें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आने का रास्ता बना लेंगे। आप जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं वही आपका सच बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जो आप पाते हैं उनके आपस का रिश्ता, एक बार आप समझना शुरू कर देंगे तो आप जहां भी हो वहां से जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक सकते हैं। जब आपकी भावनाएं मजबूत होती है तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तब आपकी चाहत भी मजबूत होती है। और जब आपकी भावना कमजोर होती है तो चाहत भी कमजोर हो जाती है। आपकी भावनाएं उसकी तरफ इशारा करती है जो आप अभी आकर्षित कर रहे हैं। हमारे आसपास की सच्चाई, आपके पास अपनी जिंदगी के अनुभव को काबू करने की ताकत हमेशा होती है। ऐसा कुछ जो आप नहीं चाहते हैं उसे अनुभव करने का सिर्फ एक कारण होता है कि आप उस पर अपनी चाहत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं वही पाते हैं, आप वो चाहे या नहीं। आपको ये समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और वो कभी आपको धोखा नहीं देता है। जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो वो आपको मिलता है।
जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वो आपको मिलता है, और जब आप किसी चीज से डरते हैं तो वो भी आपको मिलता है। आकर्षण का नियम, जैसा आप ध्यान दे रहे थे, भरोसा कर रहे थे और जैसा सोच रहे थे, अगर वैसे ही करते जाएंगे तो आपके अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता ही है, बस आपको उस मांगी हुई चीज के वाइब्रेशनल हार्मनी में होना होता है। अनचाही चीजें बिना आमंत्रण किए आपके अनुभव में नहीं आ सकती है। प्रशंसा और आत्म प्रेम सबसे जरूरी पहलू है जिन्हें आपको बढ़ाना चाहिए। भावनाओं को समझने के लिए बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पर असल में सिर्फ दो इमोशंस होते हैं, एक अच्छा महसूस कराते हैं, दूसरे बुरा महसूस कराते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए प्रक्रियाएं, अभ्यास के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आप मैनिफेस्ट करना सीख गए हैं या अभी भी शुरुआती स्टेज पर ही है। पर सबसे जरूरी ये है कि एक बार जब आप अपने महसूस करने के तरीकों को काबू कर ले तो आप इसे इंजॉय करेंगे। इन प्रोसेसेस को अपनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्रशंसा प्रक्रिया, जब भी आप किसी चीज को सराहते हैं, जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं, तो आप दुनिया को ये बोल रहे होते हैं कि ये आपको और भी ज्यादा चाहिए। आपको मुंह से इसे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सराहना की स्टेट में है तो सभी अच्छी चीजें आप तक आएंगी। जादुई निर्माण डब्बा, कल्पना करें कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आपके पास वाली कुर्सी पर एक बॉक्स रखा है, एक बहुत बड़ा बॉक्स। आप इसके क्रिएटर हैं। आप जो भी चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं, एक सुंदर घर, आपके मनचाहे शहर में, अच्छी कमाई या कुछ भी। आपको जो भी चीज इसमें डालने में रुकावट महसूस नहीं होगी, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पर जिन चीजों को आपको डालने में किसी भी तरह की रुकावट महसूस होगी, वो चीज आपको देर से मिलेगी। क्रिएटिव वर्कशॉप, एक चुंबक की तरह आप भी ख्यालों, लोगों, घटनाओं और लाइफस्टाइल को आकर्षित करते हैं। जब आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसे वो हैं, तो उन जैसी चीजों को और भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। पर अगर आप वैसे देखते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आप उन्हें वैसे ही आकर्षित करते हैं जैसा आप चाहते हैं। इसलिए अच्छा और अच्छा होता जाता है और बुरा और भी बुरा। जब आप ऐसे सिनेरियोस बनाते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए, तो आप एक वाइब्रेशन एक्टिवेट करते हैं जो अच्छा महसूस कराते हैं, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वाइब्रेशन से मेल खाता है। स्क्रिप्टिंग प्रक्रिया, आप ऐसा माने कि आप एक लेखक हैं और जो भी आप लिखेंगे वैसा ही होगा। आपका काम बस इतना है कि आपको हर चीज को डिटेल में बताना है। जो चीज आपने लिखी है वो आपके अनुभव में आने लगेगी, जैसे आप स्टेज पर एक प्ले डायरेक्ट कर रहे हो। रखने की प्रक्रिया यानी प्लेसमेंट प्रोसेस, एक बड़ा पेपर ले और उसके बीच में से एक लाइन बना दे। लेफ्ट साइड में आज किए जाने वाले काम लिखे और राइट साइड में वो चीज लिखे जो यूनिवर्स को करनी है। लेफ्ट साइड वाली चीज पर आपको एक्शन लेना है और राइट वाली चीज पर यूनिवर्स एक्ट करेगा। आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बार बताना है। पर लगातार बताने का फायदा ये है कि आप उसके बारे में और ज्यादा क्लियर होते जाते हैं। क्लटर प्रोसेस को हटाना, अगर आप अधूरे काम, अनुत्तरित पत्र, अधूरे प्रोजेक्ट, अनपेड बिल, अनअटेंडेड टू टास्क, कागजी कार्रवाई के अनसुलझे ढेर और स्ट्रे मैगजीन्स, कैटलॉग्स से घिरे हुए हैं, तो वो आपके जिंदगी पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। क्योंकि हर चीज की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, और क्योंकि आप अपनी जिंदगी की हर चीज के साथ एक वाइब्रेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपकी पर्सनल चीज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पर कैसा महसूस करते हैं। वॉलेट प्रोसेस, बहुत से लोग बिना ये एहसास किए पैसे की कमी पर ध्यान देते हैं, ना कि पैसे की उपस्थिति पर। इसलिए अक्सर वो अपनी चाहने वाली चीजों को पहचान लेने के बाद भी वो खुद को रोक कर उनसे खुद को दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनके पास कितने पैसे कम हैं। अपने वॉलेट या पर्स में 2000 का नोट रखें। इसे हर वक्त अपने पास रखें और खुद को याद दिलाते रहें कि आपके पास एक 2000 का नोट है।
अब ध्यान दें कि दिन भर में आप कितनी चीज इस 2000 के नोट की मदद से कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा खा सकते हैं या खरीद सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसे मेंटली 5 से 10 बार खर्च करें तो आपको 10 से 20,000 खर्च करने का एहसास होगा। महसूस करने की जगह ढूंढना, फीलिंग वाली जगह को ढूंढना सबसे ज्यादा मददगार है आपको एक सही वाइब्रेशन रेडिएट करने के लिए। इस प्रक्रिया से आप समझ पाएंगे कि आप असल में क्या आकर्षित कर रहे हैं। इसमें आपको कल्पना करनी है कि जो भी आप चाहते हैं वो असल में हो चुका है और आप उसे जी रहे हैं। भावनात्मक पैमाने पर ऊपर जाना, इस प्रोसेस में आप कैसा महसूस करते हैं उसे समझने के लिए सही शब्द ढूंढना जरूरी नहीं है, बल्कि भावना को महसूस करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में ये खेल उन ख्यालों को ढूंढने के बारे में है जो आपको आराम देते हैं। याद रखें, एक बेहतर फीलिंग का मतलब है रुकावट को कम करना, जिसका मतलब है जो आप चाहते हैं उसे ज्यादा मंजूरी देना। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आस्क एंड इट इज गिवन बुक के बारे में जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी सीखों को अपनी जिंदगी में अपना कर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीकों से जी पाएंगे और वह सब अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हमेशा से आपका ही था। किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर व्यक्तिगत विकास और सफलता प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम प्रस्तुत करती है जो इस बात पर जोर देती है कि किसी के विचार और भावनाएं उसके जीवन में संबंधित अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।